तो इस मंदिर की जो खूबसूरती जो दर्शाता है ज्यादा चार चांद लगाता है वो है तालाब। जी नहीं, मैं गुस्सा नहीं था, वो भूख सी लग रही थी ना पेट में थोड़ी सी, इस वजह से। इसी है बराबर में एक नहर के चक्कर में कहीं कहीं हमें अपना डंडा भूल जा रहा है। नंदी महाराज कैसे चल रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है। आओ सब लोग आओ, तुम आओ इधर। तो शाम के 3:41 हो रहे हैं, 42 हो रहे हैं सुबह से। अब खाना मिला है और ये हम कम से कम 10-20 किलोमीटर चल चुके हैं। तो यात्रा करते समय इधर साइड का ना खाना बहुत बुरा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। आज हम यहाँ पे एक दुकान पे रुके हैं, बाहर सड़क पे सो रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जय जय श्री राम, हर महादेव। मेरा नाम इंश्वर, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बैंडी वीडियो में। तो आप सभी को बता, मैं हसनापुर मवाना से अयोध्या की पैदल यात्रा कर रहा हूँ 600 किलोमीटर की। और रात हम रुके थे फतेहपुर। फतेहपुर ये जो पड़ता है सीतापुर से आगे पड़ता है। हमें रात कोई यहाँ पे होटल वगैरह नहीं मिला, तो हमें यहाँ पर एक मंदिर मिला, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत टेम्पल है। और देखो इस मंदिर की जो खूबसूरती जो दर्शाता है ज़्यादातर चार चांद लगाता है वो है तालाब। ये तालाब देखो कितना बड़ा तालाब है। इस तालाब में हमने मछलियाँ भी देखी हैं, उधर साइड में ना छोटी छोटी मछली देखी हमने। और ये जो मंदिर है, ये महादेव का मंदिर है। ये जो ये फेमस किस नाम से है, महादेव तालाब के नाम से, क्या तालाब महादेव के नाम से आप कह लें। बहुत ही प्यारा मंदिर है। इधर से देखो ये सब महादेव की यहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ हैं। महादेव है, दुर्गा मैया है, और भी इसमें शनिदेव की भी मूर्ति है। हम आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास समय की कमी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलो आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर महादेव। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करो, इससे कुछ नहीं होता, मुझे साहस मिलता है आगे चलने। बात समझ में आई मेरे तो आगे। जय जय श्री राम। एक बार यहाँ से इसका व्यू चेक करो, ये देखो पूरा टेम्पल इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ये पाउंडेस में मछलियाँ वगैरह हैं, और ये महिलाएँ कुछ हमारी कन्याएँ बहनें घूम रही हैं। और ये पूरा मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। और ये अपनी टीम उज्वल गोला। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलने के लिए तैयार? बिल्कुल रेडी। राम जी की सेना चली। सनी भैया जय श्री राम। कल तो गुस्सा था मुझसे। नहीं जी नहीं, मैं गुस्सा नहीं था, वो भूख सी लग रही थी ना पेट में थोड़ी सी, इस वजह से मामला मेरा कंट्रोल हो जा रहा है। हम खेत देंगे 70 किलोमीटर उज्वल गोला। 30 जगह भैया ठीक से लग जाएगी। तो रात हमने ना ये बैटरी भी चार्ज नहीं करी थी गोप्रो की, इसमें कुछ 63% रहती है। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दो बैटरी हो रहा है हमारे पास, दो उसके पास है। पैसे बहुत तुम्हारे भाई बताइए तो मैं तो। अभी हम यहाँ से चलते हैं, पर मेरा ना यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तालाब है ना बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो इसमें ना मछलियाँ वगैरह भी थी छोटी छोटी, अभी कुछ जिमाने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। ये इसमें हाँ छोटी छोटी सी मछलियाँ घूम रही थी। देखो ये मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये गेरी कामी गायब हो गई भाई साहब। यहाँ दिखाई दे रही थी अभी मुझे छोटी छोटी सी, गायब हो गई एकदम से। कुछ खाने के लिए डालोगे? देखो ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। वो ये देख के गायब हो रही भाई साहब। ये रही यहाँ पर है, इसमें दिख रही नहीं होगी, छोटी छोटी है बहुत ज़्यादा, काफ़ी छोटी है। ये तालाब बहुत बड़ा तालाब है, ये मंदिर भी बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे, चलते हैं आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर महादेव। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और बोले जय श्री राम। कल हमारा चलने का जी नहीं कर रहा था और आज सफर का पता नहीं लग रहा। कम से कम 8-10 किलोमीटर हम चल चुके हैं पैदल पैदल। और हमें रास्ते में एक अजूबा मिला जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये नहर है, ठीक है, ये नहर है आप सभी को दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और इसी है बराबर में एक नहर है, मतलब दो नहर एक साथ, ये अजूबे से कम नहीं है, है ना। देखो एक नहर ये हो गई और दूसरी नहर ये थी, देख रहे हो। तो दो नहर एक साथ आपने कभी देखी है? आपने तो देखी नहीं होगी। है उज्वल, तूने दो नहर ऐसे कभी एक साथ देखी है? भाई सनी ने देखी, मैंने तो सपनों में देखी, वो भी नाली एक साथ दो। पर ये तो नहर है, ये पहली बार देखी। तो आज का सफर कैसा? आज का सफर नहीं पता लग रहा है। नहीं, आज का सफर तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मजा आ रहा है। 5-6 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर आ गया। 10 किलोमीटर आ गया ना, चाय मंगी ना पानी मंगा, आज तो एंडिंग कर रहा है। बिल्कुल एक मौसम आज ना धूप है ना कुछ मौसम बढ़िया। एक ताऊ ने चाय ऐसी पिलवा दी, बिल्कुल लटो बचा, उसमें चाय की पत्ती थी पूरी।
तो जब से बस तब तो होटल वोटल भी नहीं दिखे। कल का सफर थोड़ा सा बोरिंग था यार। कल तो कसम से सड़क पे चलते हो भी आल का सारा ऐसा लग रहा था घर को जाने। जय श्री राम भाई। मैं तैयार हूँ। बल बोला 8 किलोमीटर है। जय श्री राम। वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं कहीं हमें अपना डंडा भूल जाना है। हेलो कंटेंट ना आयो ये डंडा है दोस्तों। देखो ये है डंडी मेरी और नीचे से देखो इसमें एक भी फूल नहीं निकला हुआ। अरे देखो इतना हाथ में ले ली उल्टी इतने जगह मोखला सा बना रखा। नंदी महाराज कैसे चल रहे हैं मुंह दिखाने लायक नहीं है। दिखा तो दिखा हाथ हटा इसमें फूल से। देखो इन्हें क्या कर रखा है। फूल सा बना रखा गोभी जी बना रखी थी फूल गोभी। ये देखो इन्हें बिल्कुल रखी है मेरी बिल्कुल रहेगी। तो खाते पीते घर के हैं बोला 50-60 हज़ार रुपए का। आओ सब लोग आओ तुम आओ इधर। छोटे पकड़ लिए इसे थोड़ा सा ऊपर को पकड़ ले थोड़ा सा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। रात हम गए थे फतेहपुर से कोई हम 10 किलोमीटर आ गए। इस गांव में हम बैठे हैं कि मुस्लिम आबादी क्षेत्र है और यहाँ पे हलीम बिरयानी के अलावा हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। भाई की दुकान मिली हलवाई हलवाई की। हाँ अभी हम खा रहे हैं गाजर का हलवा समोसे बन रहे हैं नीचे पेट भर रहे हैं दो तीन दिन से। समोसे हलवे रसगुल्ले कोल्ड ड्रिंक खाने को नहीं मिलता। खाने को शाम को ही मिला है जहाँ भी मिला वही खा रहे हैं। सनी कश्यप 577। दोस्तों शाम के 3:41 हो रहे हैं 42 हो रहे हैं। सुबह से अब खाना मिला है और ये हम कम से कम 10 या 20 किलोमीटर चल चुके हैं। तो यात्रा करते समय देखियो बेचारा कैसे कर रहा है सनी भाई से मस्त अल्लू भूख के आ रहे हैं। रोज़ हमारे साथ सबसे बड़ी जो परेशानी रहती है ना खाने की रहती है क्योंकि हम खाते हैं वेज खाना नॉन वेज नहीं खाते। नॉन वेज तो पीछे भरा पड़ा है वेज खाना हमको ढूंढना पड़ता है और गाँव पड़ते हैं लंबे लंबे। तो आज हमने ऑर्डर करा है अभी ये पनीर है और ये दाल मखनी है और ये अपनी रोटी है। कुछ अभी ने खा के आगे का सफ़र तय करने वाले हैं। हम रुकेंगे आज रामनगर में और कटुआ धाम। अभी यहाँ से कितने किलोमीटर थे 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है। तो अभी काफ़ी समय चल रहे हैं रात 4 बजे से 9-10 बजे तक पहुँच जाएंगे। इधर साइड का ना खाना बहुत बुरा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। हमने पनीर मंगाया पनीर बच गया। हमने दाल मखनी बनाई वो तो हम खैर पेट भरने के लिए सूख गए। रोटियां थी वैसी बची है सलाद है वैसी बची पड़ी है। ये देखो रोटी पनीर वनीर सब ऐसी दाल मखनी तो सूख गए। कैसा लगा भैया देखो कैसे बैठा हो। इसकी तो बोलती भी नहीं निकल रही। पीछे मालिक बैठा है ना हम लोग खा रहा हूँ चवा रखा ये मैं छोड़ना कि मैं गुटखा खा रहा हूँ ठीक है गुटखा। खाना खा के हम यहीं सो गए थे इनके बेड पे। भाई साहब इतनी ठंड हो रही बहुत ज़्यादा। वी डोंट फील गोइंग अंधेरा होने वाला है और अभी हमारा सफ़र है 8-10 बजे का और अभी 5 ही बज रहे हैं। भाई साहब ठंड लग रही ठंड कड़ाके वाली ठंड पड़ने लगी। जनवरी का महीना आ गया जनवरी का दिसंबर का जनवरी मार्च चल रहा मार्च जाड्डे में सगड़े बैठे हम सारे के सारे। आज तो ठंड हो रही आगे चलने के जी हो रही चाय बहुत तगड़ी ठंड हो रही आज। हेलो गाइस मोए मोए और अभी हमें चलना है इससे 14 किलोमीटर हम जाओगे रात। हम रुकेंगे कटुआ धाम वहाँ पे वहाँ पर हमारा रहने का जुगाड़ हो गया। एक भाई मिले थे पीछे अभी उन्होंने कहा कि वहाँ कार्यालय है मैं रुकूँ रात को। दोस्तों ठंड में यात्रा करना इतना आसान नहीं है। रोज़ हमारे रहने का प्रबंध हो जाता था पर आज हमारे रहने का प्रबंध कहीं नहीं हुआ। हमें किसी गांव में कोई ना तो कोई धर्मशाला मिली ना ही कोई आरएसएस का कार्यालय मिला ना ही कोई हमें होटल मिला। तो आज हमने क्या करा आज हम यहाँ पे एक दुकान पे रुके हैं बाहर सड़क पे सो रहे हैं। कहने का मतलब ये है पर वो तो हमारे बजरंगबली जो हमारे शनि जी हमारे साथ हैं शनि कश्यप इनकी वजह से हमारा सफ़र आसान हुआ। ये जो रजाई गद्दे हैं हम अपने साथ लेकर चले थे तो ये देखो पीछे इधर साइड में
एक दुकान है और यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये अभी खाना पीना वो हमारा हुआ नहीं। और ठंडी माँ कसम इतनी ठंड हो रही है, बहुत तगड़ी ठंड हो रही है। और हम क्या पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। समोसे वमोसे तो हमने दोपहर खाए थे रे। तो मेरे तो खाने का जी है नहीं, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी के सो जाऊंगा। तो बस यही है, अगर ठंड में आप यात्रा करते हो तो देख सोच समझ के करो, क्योंकि ना तो रहने के लिए सही साधन मिलता है, साधन जो भी है अपने हिसाब से लगा लेना, और ना ही खान पीने की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है हम पूरा दिन बिना खाने के बिता देते हैं, समोसे वमोसे खा के ये चीज़ें सोते हैं। और कभी कभी ऐसे सड़क पर भी सोना पड़ जाता है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।